दोस्तों मुकेश अंबानी इस समय भारत के सबसे अमीर और दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति 81 बिलियन US डॉलर यानी करीब 5,90,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। उनके अकेली एक घर एंटीलिया की अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ रुपए के करीब है। अब इतने अमीर आदमी की सुरक्षा होना तो लाजमी है, तो चलिए जानते हैं मुकेश अंबानी की सुरक्षा के बारे में। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मुकेश अंबानी को भारत सरकार ने जेट प्लस लेवल की सुरक्षा दे रखी है। जेट प्लस सिक्योरिटी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG के बाद ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मुकेश अंबानी को मिला ये जेट प्लस सुरक्षा चक्र कितना इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे भारत में मात्र 17 लोगों के पास ही ये सुरक्षा चक्र मौजूद है और उनमें से एक है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में 55 हाईली ट्रेंड सुरक्षा कर्मी हमेशा तैनात रहते हैं और इनमें से 10 कमांडोज NSG से होते हैं। ये सारे सुरक्षा कर्मी मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड होते हैं और उनके पास घातक M5 गन होती है और एक से बढ़कर एक कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी गैजेट्स भी होते हैं। मुकेश अंबानी को साल 2013 में जेड सिक्योरिटी दी गई थी जिसे बाद में जेड प्लस कर दिया गया था। जब अंबानी अपने राज्य में रहते हैं तो पूरा सुरक्षा घेरा उनके साथ होता है और जब वो बाहर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो कुछ सुरक्षा कर्मी उनके साथ जाते हैं और बाकी की सुरक्षा का इंतजाम वो राज्य करता है जहां अंबानी गए होते हैं। लेकिन इस 24 घंटों की कड़ी सुरक्षा का खर्च अंबानी खुद उठाते हैं और एक अनुमान के मुताबिक जेट प्लस सिक्योरिटी के लिए मुकेश अंबानी हर महीने करीब 16 लाख रुपए सरकार को देते हैं। इस खर्चे के अलावा सुरक्षा कर्मियों के रहने खाने की व्यवस्था भी अंबानी को करनी होती है। इस जेट प्लस जैसी बेहतरीन सुरक्षा चक्र के बाद भी अंबानी केवल सरकारी सुरक्षा के भरोसे नहीं रहते हैं बल्कि उनकी अपनी निजी प्रोटेक्शन भी है। इसमें NSG के रिटायर्ड कर्मचारियों के अलावा सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड जवान शामिल होते हैं। अंबानी की सभी कारें फुली आर्मर्ड और बुलेट प्रूफ होती हैं। वे अपने घर से बिना सुरक्षा घेरे के बाहर नहीं निकलते हैं। वे जब भी कहीं जाते हैं तो उनका पूरा काफिला उनके साथ जाता है और उनके साथ करीब 2 दर्जन सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात रहती हैं। अगर मुकेश अंबानी कार में चलते हैं तो उनके आसपास सुरक्षा में कारों का काफिला चलता है। मुकेश अंबानी के कार से उतरते ही उनके चारों ओर सुरक्षा घेरा होता है। अगर मुकेश अंबानी हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड प्लेन से उतरने के बाद सिविलियन एरिया में आते हैं तो उनके सिविलियन एरिया में आते ही सुरक्षा कर्मियों का घेरा उन्हें कवर कर लेता है। मुकेश अंबानी के पास 2 बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ कारें हैं। इनमें से एक BMW 760 Li कार है तो दूसरी मर्सिडीज बेंज की S660 कार है। जब मुकेश अंबानी की कार घर से बाहर निकलती है तो उनकी कार के चारों ओर उनकी पर्सनल सिक्योरिटी उन्हें घेरे होती है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी के घर यानी एंटीलिया की सुरक्षा के बारे में। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया इस दुनिया का सबसे महंगा घर है और ये घर 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला है। ये घर 27 मंजिला है और इसका हर फ्लोर करीब 2 मंजिला इमारत के बराबर है और ये घर 8 रिएक्टर स्केल तक की तीव्रता का भूकंप आसानी से झेल सकता है और इस घर की सुरक्षा पुलिस और प्राइवेट गार्ड्स दोनों के ऊपर होती है और इस घर में गार्ड्स को मिलाकर 600 लोग काम करते हैं और बिना प्रॉपर सिक्योरिटी चेकअप के कोई भी इस घर में नहीं घुस सकता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको मुकेश अंबानी की सुरक्षा कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।